अरब वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में रॉयल फैमिलीज के खिलाफ आवाज उठाने की इजाजत नहीं होती है, और अगर कोई भी गलती से आवाज उठा लेता है तो उसे सजाए मौत दे दी जाती है। यूएई के रहने वाले निजाम ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसकी वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन हाल ही में वहाँ के ताजा मामले की बात करें तो आपको बता दें, वहाँ के करीब 87 लोगों को कुछ इस तरह की हरकत करने के मामले में मौत की सजा तो नहीं सुनाई दी जाती है, पर उन लोगों को गिरफ्तार जरूर कर लिया जाता है। यूएई के यूएन एरिया में कुछ मानव अधिकार कार्यकर्ताओं ने इन 87 कैदियों की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन करने वालों पर तो दुनिया में फजीहत के डर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो लोग पहले से जेल में हैं उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बता दें, ये विरोध प्रदर्शन तब हुआ जब दुबई में 1 और 2 दिसंबर को COP28 समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वर्ल्ड लीडर्स इस समिट में शामिल हुए थे, लेकिन हाल ही में आबू धाबी में मानव अधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले संगठन एमिरेट्स डिटेनिस एडवोकेसी सेंटर के हवाले से वर्ल्ड मीडिया में खबर आती है कि उन 87 लोगों पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए और साथ ही उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर जेल में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 87 कैदियों में 43 कैदियों पर आतंकी संगठन बनाने और 44 पर आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप थे। ये जानकारी इंस्ताबुल में रह रहे एमिरेट्स डिटेनिस एडवोकेसी सेंटर यानी EDAS के चीफ हमद अल शमसी की ओर से दी गई है। शमसी कहते हैं कि यूएई में यूएई 94 नाम की एक एजेंसी है, वो हर उस शख्स पर देश विरोधी साजिश के आरोप लगाती है जो वहाँ हुई किसी भी छोटी सी बात का विरोध करते हैं। वहाँ हर छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि वहाँ के लोगों को सजाए मौत या फिर उम्र भर जेल में रहने की सजा सुना दी जाती है। जैसे कि वो 87 लोग जिनके बारे में हमने आपको बताया, इस दौरान यूएई सरकार जेल में बंद 87 लोगों को भी इसी तरह की कोई सजा सुनाई जा सकती है। बता दें, इन 87 कैदियों का एक रूटीन ट्रायल 7 दिसंबर को हुआ था और इसी तरह का एक ट्रायल 2013 में भी हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इन 87 कैदियों में अहमद मंसूर भी शामिल है। अहमद मंसूर एक अमीराती ब्लॉगर, मानवाधिकार और सुधार कार्यकर्ता है, जिन्हें 2011 में मानहानि और राष्ट्राध्यक्षों के अपमान के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 10 साल की सजा भी सुनाई गई थी। जैसा कि हमने आपको बताया, अरब वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में राजाशाही, जिसे वहां की सरकार भी कहा जाता है, अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो या तो उन्हें सजाए मौत या फिर ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई दी जाती है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज़। नमस्कार।